हे एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग लंच व्लॉग। तो आज का लंच थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि विंटर में हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा मार्केट में आती हैं, जैसे हरी मटर हो गया, पालक हो गया, सरसों हो गया, या मतलब बथुआ हो गया, मेथी हो गया, कुछ भी ले लो, गाजर वगैरह बहुत ज़्यादा मार्केट में आती हैं और हम सब के घर में मोस्टली सर्दियों में वही सब्जियाँ बनती हैं। तो आज उसी से रिलेटेड मैं पालक की एक बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो उसी के लिए पहले मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्याज कट कर ली है, उसको चॉपर में डाल दिया है। उसके बाद उसी के लिए आलू कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से आलूओं का छिलका उतार के और मैं उसको कट करूँगी। तो पहले छिलका उतार लेंगे और फिर आलूओं को कट करेंगे। और यहाँ पर प्याज काटने में जो आंसू आते हैं ना, तो बता ही नहीं सकती, क्योंकि मगर लेडीज़ का ये डेली का डिपार्टमेंट है सब्जियों को कट करने का। तो वो अपने आंसू छिपाकर सारी सब्जियों को इस तरीके से आसानी से काट ही लेती है, क्योंकि उसको पूरे घर का ध्यान भी तो रखना है। तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जब भी अपने काम में लग जाती है पूरे मन से लग जाती है, चाहे कितनी भी दिक्कत हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने पालक लिया है। तो यहाँ पर मैंने आलू प्याज को तो कट कर लिया है, उसके बाद पालक की बारी आती है। तो पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने गोभी के पराठे की वीडियो शेयर करी थी। तो लोगों के भर भर के कमेंट आए थे कि आपने गोभी को धोया नहीं। तो मतलब आप बताइए, ऑब्वियसली अगर कोई भी सब्जी कट करूँगी तो उससे पहले मैं उस सब्जी को धोऊँगी ना। बट अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको धोते हुए भी वीडियो में गोभी को दिखाऊं कि मैं सब्जी धो रही हूं। तो आप मतलब कोई भी सब्जी कट करेंगे उससे पहले धोएंगे ही। तो मैंने यहां पर पहले धो लिया था, उसके बाद ही कट कर रही हूं। तो आपको पालक दिख रहा होगा गीला गीला, तो आपको दिख रहा होगा, बस मैंने धोते हुए नहीं दिखाया है। तो वॉश करके अच्छे से फिर ही मैंने यहाँ पर पालक को कट किया है। तो पालक को कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर लहसुन को और अदरक को भी बारीक बारीक काट लिया है और प्याज को इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है और साथ में आलू को भी कट कर लिया है। तो सब्जियां तो हमारी सारी कट हो गई हैं। तो अब चलिए इसको बनाने की तरफ भी चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल देंगे हम ऑयल। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कढ़ाई में सरसों का तेल डालने के बाद अच्छे से गर्म होने देंगे, और जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे एक तेज़पत्ता और दो सूखी लाल मिर्च, और अच्छे से इसको हम भुनने देंगे। इसे जो है ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी में। अगर आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं ना, तो इस तरीके से एक साबुत लाल मिर्च डाल दीजिएगा और एक तेज़पत्ता, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने लहसुन और अदरक कट करके रखे थे वो भी इसमें डाल दिए और अच्छे से भुनने देंगे। तो जितने अच्छे से लहसुन और अदरक भुनेंगे तो आपको जो कच्चेपन की स्मेल होती है ना, वो सब्ज़ी में नहीं आने वाली है। तो उसको अच्छे से भून लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने प्याज को चॉप करके रखा था उसको डालकर अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज को भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि प्याज भी अच्छे से भुनी हो तभी हमारी जो सब्ज़ी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब जैसे ही प्याज अच्छे से भुन जाएगी, गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो यहाँ पर जो हमने आलू कट करके रखे थे ना, वही हम इसमें ऐड कर देंगे। और आलू को डालने के बाद अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर देंगे। तो आप इस सब्ज़ी का प्रोसेस बिल्कुल अलग है, तो मैं जैसे सब्जियां हमारी बनती हैं उससे थोड़ा अलग हटके सब्जी को बनाती हूँ, जिससे जो खाने में ना इसका स्वाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इस तरीके से आप बनाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और उसके बाद डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो अभी मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक ही डालेंगे। नमक से क्या है, जो आलू हैं वो थोड़े जल्दी गल जाएंगे, और हल्दी से जो जब तक हम इस आलू को भूनेंगे ना, तब तक जो है इसके जो कच्चेपन की स्मेल होती है ना हल्दी की, वो निकल जाएगी। तो इसलिए मैंने हल्दी को पहले ही डाल दिया है, बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे। तो ढककर छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो मैंने टमाटर कट करना भूल गई थी, तो बाकी सब्जियां तो कट कर ली थी, तो मैंने सोचा बाद में जब तक ये सब्जी हो रही है कुक, तो मैं यहाँ पर टमाटर भी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है, उसको इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया। उसके बाद एक हरी मिर्च भी इस तरीके से काट ली है। मैं हरी मिर्च को हमेशा कैंची से ही काटती हूँ, क्योंकि मेरे चाकू से काटने में मेरी हरी मिर्च से ना बहुत देर तक जलन रहती है, तो मैं हमेशा कैंची से ही कट करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर कट करने के बाद यहाँ पर बीच में हमने सब्जी का ढक्कन हटाया 5 मिनट बाद, और इसको अच्छे से चलाया। उसके बाद जो टमाटर और मैंने अभी मिर्च कट करके रखी थी ना, वही इसमें डाल दी। उसके बाद इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। उसके बाद अब बारी आती है मसालों की। तो हल्दी नमक तो हम पहले डाल चुके हैं, तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा, हम यहाँ पर डाल देंगे धनिया पाउडर, और थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर डालूंगी, साथ में ही बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। तो ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 3-4 मसाले, बेसिक मसाले जो कि आप सब्जियों में डालते हैं घर में नॉर्मली, वही मैंने यहाँ पर डाले हैं, और फिर अच्छे से मिक्स कर दूंगी।
तो इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे ना तो आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाली है। अब ये मसाले जो डाले इनको भी थोड़ा भूनने के लिए टाइम देते हैं, तो 5 मिनट के लिए फिर ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। और 5 मिनट बाद इसके ढक्कन हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए अच्छे से थोड़े से हमारे आलू भी पक जाएंगे, क्योंकि आलूओं को हम बहुत देर से पका रहे हैं तो आलू भी थोड़े से गल गए होंगे। तो यहाँ पर अब देखिए आलू थोड़े से गल गए हैं, तो इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे पालक। जो हमने पालक कट करके रखी थी वो अब यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि पालक गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसलिए मैं पालक को बाद में ऐड करती हूँ। तो जिससे कि ज़्यादा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट में ही हमारा पालक जो पानी छोड़ेगा तो उससे थोड़ा जो आलू हल्के बहुत रह गए हैं वो भी गल जाएंगे, और साथ में पालक तो बहुत ही जल्दी गल जाता है। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मसाले के साथ अपने पालक को भी हम मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से चला लेंगे। तो अभी देखने में देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्ज़ी, और बनने के बाद जो इसका स्वाद होगा हाँ आपको मज़े ही आ जाएंगे। उसके बाद हम इस तरीके से ढककर फिर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। अब धीरे धीरे जो पालक है अपना पानी छोड़ेगा और सब्ज़ी धीरे धीरे अच्छे से पक जाएगी। तो जब तक देखिए मैंने एक गैस पर सब्ज़ी पक रही है तो दूसरी गैस पर हम रोटी बना लेते हैं। तो भाई दोनों काम एक साथ कर लेते हैं ना, तो ऐसा क्योंकि पहले सब्ज़ी बनाए तो जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं रोटी बेल ली तो दूसरी गैस पर रोटी सेक ली और एक पर हमारी सब्ज़ी आसानी से पकी रही है। तो आप 2-3 गैस का बर्नर है तो आसानी से इसका इस्तेमाल करें, क्यों अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने चपाती बना ली है, और उसके बाद यहाँ पर इतनी देर में मैंने चपाती बनाई है, इतनी देर में हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो देखिए पानी भी अच्छे से हमारा जो पालक है वो छोड़ चुका है, वो पानी भी बिल्कुल जल गया है और आलू भी अच्छे से पक चुके हैं। तो हमारी जो सब्जी है ना वो बिल्कुल रेडी है आलू पालक की। तो अब यहाँ पर डाल देंगे हरी धनिया पत्ती। हरी धनिया पत्ती बिना तो कोई भी सब्जी बिल्कुल इनकम्प्लीट है। कोई भी सब्जी बनाते हैं तो अगर जब तक उसमें बिल्कुल रौनक नहीं आती जब तक कि हम धनिया पत्ती नहीं डालते। उसके बाद देखिए इस तरीके से हमारी जो सब्जी है बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम बारी आती है सर्विंग की। तो यहाँ पर अब मैं अपने लंच के लिए प्लेट लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आलू पालक सर्व कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप सूखे आलू पालक बनाएंगे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अक्सर हम बनाते हैं या तो आलू पालक वैसे वाले या पालक पनीर, ये 2 चीज़ें बनाते हैं, मगर इस तरीके से ट्राई करिएगा बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने छाछ लिया है, मतलब मट्ठा लिया है, जिसमें नॉर्मली मैंने दही को भिगोकर उसमें सिर्फ मैंने यहाँ पर भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा काला नमक डालकर तैयार किया था। उसके बाद चपाती ली और यहाँ पर मेरा लंच तो रेडी है। तो आप भी क्या सोच रहे हैं, जल्दी इस लंच को ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, मेरे को फॉलो जरूर कर लीजिए।